सालार की पूरी स्टोरी खानसार अंपायर पर बेस्ड है। इसके पहले अध्याय पर खून खराबा को रोकने के लिए लगाई जाती है सीज फायर। प्रभास यानी सालार को जिसने आवाज दी है उनका नाम शरद केलकर है। उन्होंने इससे पहले बाहुबली और आदि पुरुष में भी अपनी आवाज दी थी। यानी साफ साफ बोले तो प्रभास का ऑफिशियल हिंदी वॉइस ही शरद केलकर की है। आप उनकी एक झलक यहाँ देख सकते हो। इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना जाए। सालार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस हाई प्रोफाइल फिल्म बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड उम्दा VFX यूज किया है। 200 जूनियर आर्टिस्ट इस फिल्म में लगे थे। हालांकि इस फिल्म से ज्यादा आर्टिस्ट KGF चैप्टर 2 में हायर किया गया था। एरी एलेक्सा SXT नामक हाई डेफिनेशन एक्शन कैमरे से इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। इतना ही नहीं, यह भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें की DCT टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं। अब आप पूछोगे कि आखिर DCT टेक्नोलॉजी क्या होता है। एक्चुअली इसे डार्क शेड्स विजुअल भी कहा जाता है। इसमें लाइटनिंग पैटर्न और कलर पेटल्स को हल्का डार्क रखा जाता है। इस तरह का डार्क सिनेमेटोग्राफी यूजुअली थ्रिलर और हॉरर फिल्मों में ही यूज होते थे, बट क्रिस्टोफर नोलन इस तरह की सिनेमेटोग्राफी अपनी मैक्सिमम फिल्मों में यूज करते हैं, जिनमें से मैट्रिक्स, बैटमैन ट्रायोलॉजी और टीनेट जैसी वर्ल्ड फेमस फिल्में हैं। KGF और KGF चैप्टर 2 की तरह ही भुवन गौदा ने इस फिल्म के लिए भी सिनेमेटोग्राफी करी है। वह प्रशांत नील के फेवरेट सिनेमेटोग्राफर भी है। उन्होंने इस फिल्म में भी एलेक्सा जैसी हैवी वेट कैमरे को कंधे पर लाद कर एक्शन शूट किया था। एक बार तो दौड़ते वक्त वह गिरते गिरते भी बचे थे। इस कैमरे का वजन 40 किलोग्राम है। इसके अलावा 200 अन्य कैमरे भी इंस्टॉल किए जाते थे सेट पर, जिसे कि डिफरेंट कैमरा एंगल से फिल्म शूट किया जाए। एक इंटरव्यू में सिनेमेटोग्राफर भुवन गौदा ने यह कहा कि इस फिल्म में 95% रियल फिजिकल शूट है, केवल 5% ही CGI इस्तेमाल किए गए हैं। सुपर डायरेक्शन और ग्रेट सिनेमेटोग्राफी के साथ फिल्म के सारे सीन देखते ही बनते हैं। अब इस हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस को ही देखिए, जब फिल्म में पहली बार प्रभास को फाइट करते आपने देखा था। एक्चुअली सीन में असम के तिनसुकिया को मेंशन किया गया है, जहां पर कि यह फाइटिंग सीन और कोल माइनिंग वाले पार्ट को दिखाया गया था, बट एक्चुअली में शूटिंग लोकेशन तेलंगाना के पेड़ापल्ली जिले के गोदावरी खानी कोल माइंस पर शूट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह लोकेशन एग्जिस्ट करती भी है और यहाँ पर कोल माइनिंग भी होती है। अब यहाँ जरा देखिए, खानसार का यह राज सिंहासन है जिसके लिए ही तो इतना खून खराबा देखने को मिला था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम चीजें फिजिकल सेट पर बनी थी। आप ये तीनों स्टैचू भी देख सकते हो जो कि बिल्कुल रियल है। दोस्तों यहाँ पर सीज फायर लगने पर जब बाकी ट्राइब के मेंबर राजा मन्नार की गद्दी हड़पने के लिए अलग अलग कंट्री से फोर्स मंगाते हैं, तब की यह वाली शूट है। यकीनन यह वाला सीन तो आप लोगों को गूस बम्प दिया होगा, जब प्रभास यानी देवा का पावरफुल टॉप नॉच एक्शन देखने को मिला था। यहाँ काली माँ को मेकर्स ने प्रेजेंट किया है कि वह कैसे पाप खत्म करने के लिए अपने प्रचंड रूप में आती है। यहीं पर देवा नारंग के बेटे को भी मार देता है। क्लाइमेक्स का यह सीन है जबकि सीज फायर को हटा दिया जाता है और तब शुरू होती है यह हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस। यहां आप लोग पृथ्वीराज और प्रभास को साथ मिलकर लड़ते हुए देख सकते हो। वहीं शूटिंग करते हुए डायरेक्टर प्रशांत नील भी रेड कलर से रंग गए थे। फिल्म के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि प्रभास कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि वह सौर्यांगा ट्राइब का वारिस है और वही गद्दी का असली हकदार भी।
इस फिल्म के लिए प्रभास तो परफेक्ट थे बिकॉज रेवल स्टार का एक्शन फेमस तो है ही, जबकि बाहुबली जैसी फिल्म करने की वजह से उन्हें इस फिल्म के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, यानी कि तलवारबाजी और बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस के लिए। इस फिल्म का 60% पार्ट रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शूट हो गई थी, जबकि इंडिया में ही इसकी शूटिंग कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, असम और केरला में हुई थी। इसके अलावा नेपल्स, भूटान, इटली, बुडापेस्ट में भी इसकी कई छोटे छोटे सीन शूट हुए थे। सलार को पावर हाउस बनाती है इसकी बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे कि रवि बसरूर ने बनाया था। उन्हें आप बीजीएम कंपोज करते हुए भी यहां देख सकते हो। है ना माइंड ब्लोइंग? तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह फिल्म एंड एक्शन शूट? दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ सरप्राइज चीजें दिखा सकूं, यानी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर खान सर बना कैसे था एंड मेकर्स ने उसे कितने एकड़ की जमीन में बनाया एंड वो कैसे बिल्ड हुआ। वो सारी चीजें देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।